जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। अभी इस माघ पूर्णिमा में कचारगढ़ की जत्रा प्रारंभ हुई है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं कचारगढ़ में। तो एक सवाल सभी को है कि कचारगढ़ कितना प्राचीन है। तो इस प्राचीनता के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े। तो एक बुक जो हमारी याया दीदी सुशीलाताई ध्रुवे जी ने लिखा है, जिसका नाम है मोदवेड़ जी, ये 2 महीना पहले ही मैंने इसको रीड किया था। तो इस किताब में एक नाम आया है, मानव वंश शास्त्रज्ञ चंद्रशेखर गुप्ता जी। इन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि कचारगढ़ प्राचीन धरोहर है जो गोंडों की एक धार्मिक स्थल है। दूसरा आपको प्रूफ बता देता हूँ कि किस किताब में कचारगढ़ का उल्लेख आया है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो दूसरा किताब है, बड़ा मोटा किताब है, हमारे अंग्रेज प्राध्यापक हमारे सम्माननीय हेमंत दास जी ने लिखा हुआ, राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद एंड द गोंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2 ऐसे मोटी मोटी किताबें हैं। ये मेरे पास जो है वो द गोंड्स ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो ये किताब उन्होंने लिखी है और इस किताब में भी कचारगढ़ का उल्लेख आया है। और कचारगढ़ ये गोंडों की पावन भूमि क्यों है, किस लिए है, इसका उल्लेख आया है। दीदी सुशीला ध्रुवे की किताब मोदवेड़ जी के अनुसार वहाँ पे हमारे कचारगढ़ में जब उत्खनन किया गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वंश शास्त्रज्ञों ने वहाँ पे जाके देखा, तो पाषाण युगीन काल के कुछ औजार वहाँ पे मिले। थमना थोड़ा पाषाण युगीन काल के औजार मिलना, इसका मतलब ये है कि कचारगढ़ में मानव सभ्यता तब से थी जब से पाषाण काल युग था। इसका हम एक अंदाज़ा बांध सकते हैं कि पाषाणकालीन युग में जब कचारगढ़ में लोगों की बस्ती थी, यहाँ कचारगढ़ में लोग रहते थे उस गुफा पर, उस पर्वत पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के गोंडियन लोग जो प्रोटो द्रविडियन कहते हैं वो बिल्कुल सही है। कचारगढ़ का स्थल आप अगर भौगोलिक परिस्थिति से आप देखें तो पूरा का पूरा नेचर से परिपूर्ण है। उस स्थल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भौगोलिक स्थिति से अगर हम देखें तो जो गोंडवाना का भूभाग है उसके नाभि केंद्र के नज़दीक ही कचारगढ़ यह स्थल आता है, और इसलिए कुपारलिंगों को वहाँ से बाकी क्षेत्रों में विस्तार करना बहुत सुलभ हुआ। तो इस बातों से भी लेकर कचारगढ़ यह प्राचीन धरोहर ही हमें सिद्ध होती है। कचारगढ़ की इतिहास में जब हमें पाटालीर, हीरासु का पाटालीर की जब बात आती है, तब कुपारलिंगों ने अपने संगीत गुरु को बुलाया था। ये हमारा इतिहास है। तो धन्ने गांव जो है वो वहाँ से नज़दीक भी आता है। तो ये भी होता है कि कुपारलिंगो धन्ने गांव गए थे या धन्ने गांव बुलावा गया था, वहाँ पे हीरासु का पाटालीर रहते थे और वो पहुँच गए। तो अगर भौगोलिक परिस्थिति से देखें तो भी कचारगढ़ गोंडवाना की हिस्ट्री के अनुसार वहीं आ रहा है जहाँ पे वो होना चाहिए और आज भी है। पुरातत्व वेतो यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार भी वहाँ पे कचारगढ़ में पाषाणकालीन अवशेष मिले। इसका मतलब ये है कि गोंडियन ट्राइब, गोंड प्रधान ट्राइब यह प्राचीन और पाषाणकालीन है, जो मेरे ख्याल से उस काल में कोई धर्म भी नहीं बना था और कोई समुदाय भी नहीं बना था। उस काल से गोंडियन समाज आज भी लगे हाथों आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि गोंडियन यह किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता, किसी भी धर्म में नहीं आता, क्योंकि ये जो लोग हैं ये धर्म के पहले के लोग हैं। धर्म तब बने जब इंसान को कुछ नियम बनाने पड़े, धर्म तब बने जब इंसानियत को इंसानियत बचाने के लिए कुछ करना पड़ा। तो इसलिए दोस्तों, आप जब कचारगढ़ जा रहे हो तो वहाँ का इतिहास प्लीज़ पढ़िए। आपको कुछ बुक सजेस्ट करता हूँ। एक है हमारे सुशीला ध्रुवे जी का ये मोदवेड़ जी, ये किताब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मरकाम जी हैं जिन्होंने किताब लिखा है येर मिहतना गोटुल, एक महान गोटुल, वो भी किताब बहुत सही है। आप चाहते हो तो आप डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर की भी किताबें पढ़ सकते हो, वो किताब भी बहुत सही है। आप गोंडी पुनर्दर्शन या गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास है, उसके बाद गोंडवाना का स्थलमूल परिचय है, कोट पद्धति है, गढ़ पद्धति है, अन्य मेरे ख्याल से 30 किताब कंगाली साहब के हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपको कचारगढ़ के बारे में बहुत बड़ा इतिहास पता हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे जाते हैं तो कुछ मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब हम किताबें पढ़ के उस पावन स्थल पर जाते हैं तो और मज़ा आता है। क्योंकि सिस्टम भी यही है कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ पता होता है, फिर आपको देखने में मज़ा आता है, फिर आपको उसको सीखने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ आप अगर कचारगढ़ गए हो तो वहाँ पर बहुत सारी किताबों के स्टॉल लगे हैं, तो उस स्टॉल पे जाके आप वो किताबें खरीद सकते हो। कचारगढ़ में इस
अवसर पर बहुत बड़े किताबों के स्टॉल लगते हैं और उस स्टॉल से आप खरीद सकते हो। दोस्तों अगर आप कचारगढ़ नहीं गए फिर भी आप जानना चाहते हैं कि गोंडवाना का इतिहास क्या है, सो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है जो तिरुमल प्रकाश सलामी जी का है, जो अमरावती में रहते हैं, आप उनको कॉल करिए, वो जितने किताब चाहिए उतने आपके घर तक कुरियर से भेज देंगे। तो आप ये दोनों भी ऑप्शन कर सकते हो। कचारगढ़ के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं एक किस्सा बता दूँ, 4-5 साल पहले कुछ लोग वहाँ पर गए थे, ये करने गए थे कि वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ उन्होंने गाड़नी थी, गाड़ के 5-6 सालों में आएंगे और वो खुद ही उस मूर्तियों को निकालेंगे और कहेंगे कि हमारा ये प्राचीन इतिहास है, ऐसे कुछ वहाँ पे होने वाला था, लेकिन हमारे सजग लोगों ने वहाँ पे उनको रोक दिया। अगर वो किसी को ना दिखते हुए अगर उन्होंने मूर्तियाँ गाड़ दी होती तो अब तक वो खुरेद कर वो कहते कि हमारा भी धर्म है, हमारे भी लोग। तो पाषाणकालीन युग में मेरे ख्याल से धातु युग नहीं आया था, तो पाषाणकालीन युग में मूर्तियाँ मिलना तो ये संभव तो है नहीं। तो इस सिस्टम को जानते हुए आप भी सजग रहे, सतर्क रहे और कचारगढ़ जैसे पावन धरा को गंद ना करें, गंदगी में ना झोंके, आपका कचरा है, कूड़ा है, आप कुछ खाते हैं तो सिस्टमेटिक किसी डस्टबिन में डालिए, उसको इधर उधर ना फैलाएं, आप ही अपने समाज की धरोहर को बचा सकते हैं। और इसलिए कचारगढ़ को और कचारगढ़ जैसे जंगोबाई, हमारा केसलापुर, हमारा जो कुपारलिंग का जो आंगा निकलता है वल्लेखनार, ऐसे क्षेत्रों को बचाना जरूरी है, नहीं तो हम इतिहास ही बताते रहेंगे और भौगोलिक दृष्टि से वो जो एरिया है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कचारगढ़ अतिशय प्राचीन पाषाण युगीन है, आप बिल्कुल डाउट मत रखिए और प्लीज़ कचारगढ़ एक बार होके आइए। दोस्त वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय जय श्री जय गुणवान, जय।